हेलो दोस्तों, आरपीए सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम वर्गमूल निकालना जानते हैं। ये एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, कड़ी में 625 प्लस कड़ी में 484। ऑप्शन आपके पहला दिया है 36, दूसरा दिया है 56, तीसरा दिया है 52 और चौथा दिया है 35। तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये आपको देखना होगा। तो देखिए 625 का वर्गमूल क्या होगा, आइए हम सीखते हैं और जानते हैं एकदम आसानी से। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 25 है, यानी ये दोनों 625 है। हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ हम जीरो मान लेंगे, तो इस दो का पेयर और इस दो का पेयर बनाएंगे। और यहाँ 6 है, तो 6 को ऐसा सोचना है कि स्क्वायर करें तो 6 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। तो देखो यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 6 से 9 ज्यादा है, और देखो और 4 से 6 क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें से छोटा है उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ किसका स्क्वायर कितना है, 2 का, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और स्क्वायर कितना आया है, 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। ये देखो इकाई हम था इसलिए हमने 0 माना है, इसलिए दो दो का पेयर बनाने के लिए हम यहाँ 0 माने हैं। तब देखिए 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 और 5 है तो 2 5 यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 लिख देंगे, अब प्लस का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो ये 25 दिया है, हमने यहाँ 25 लिख दिया है, पहले नहीं लिखना है। देखो ये 25 दिया है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 2 5। अब 45 से भाग दे दीजिए 225 में, कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो हमने यहाँ 2 लिखा, उसके बाद यहाँ 5 बार में जाएगा, तो 5 लिखेंगे। और देखो ये कितने बार में गया है, 2 बार में, 2 2 4, यानी 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ देखो 45 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 484 का वर्गमूल निकाल कर हम देखते हैं। देखो क्या दिया है, 484। हमने आपको बताया है 484, हमने आपको बताया है कि ये 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, या तो बराबर आए या तो कम आए, ज्यादा ना हो। तो देखो यहाँ हम 0 मान लेंगे और दो दो का पेयर बना देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 किसके बराबर आ रहा है, इस 4 के, तो यहाँ लिखेंगे 2 2। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, 2 2 4, यहाँ 2, ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यहाँ लिखेंगे 4। और यहाँ क्या करेंगे, 2 रख देंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी 0 होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 8 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ सोचना है कि यहाँ पे हम कौन सा अंक रखें कि ये 84 कट जाए। यदि हम 2 रख दें तो ये कितने बार में कटेगा, ये कितने, 2 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो आपका इसमें वर्गमूल कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, कितना, 22 आ रहा है। यदि इसमें क्या किया है, कड़ी में 625 प्लस कड़ी में 484 को हमको जोड़ना है, तो हमको जो ऐसे मत जोड़िएगा, कड़ी कड़ी में मत जोड़िएगा, इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले दोनों को वर्गमूल निकालिएगा, जितना वर्गमूल आएगा उतना जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 625 का वर्गमूल 25 आया है,
प्लस और 484 का वर्गमूल 22 आया है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 × 2 = 7 और 2 × 2 = 4 यानी 47। तो इसमें देखो 47 इसमें नहीं दिया है, यानी इसको आप 47 कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, अंडर रूट 1225। तो 1225 का वर्गमूल क्या होता है, आइए हम जानते हैं 1225। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर देखेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो देखो ये 9 भी छोटा है और 4 भी छोटा है, तो हम इसमें इसके जो नजदीक ज्यादा रहेगा उसी को रखेंगे। यानी देखो ये 4 क्या है, 12 से बड़ा है, दो दो का पेयर सबसे पहले बनाना होता है, दो दो का पेयर। तो देखो हम किसको रखेंगे, 3 के स्क्वायर को, यानी 9 को रखेंगे। किसको रखेंगे, 9 को रखेंगे। तो देखिए यहाँ किसको रखेंगे, 9 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे। और कितने बार में देखो किसका स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर हुआ है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तब देखिए अब यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो प्लस का 3, 3 कितना होता है 6, और 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा। अब देखो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2 5। अब देखिए 65 से 325 में जब हम भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, कितने बार में 5 बार में जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, इजराइट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंडर रूट 3364। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है 62, बी दिया है 58, और सी दिया है 68, और डी दिया है 66। तो देखिए इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए हमने आपको बताया है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। हमको क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। तो हमको देखो इसमें 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, यानी ये 33 है। तो 33 हमको ऐसा स्क्वायर इसमें रखना है कि इससे ज्यादा भी ना हो और इससे कम हो। यानी देखो 33 से कम का स्क्वायर 5 का है और 33 से बड़ा का स्क्वायर 6 का है, तो हम किसको रखेंगे, इस 5 वाले को रखेंगे, जो कम रहता है उसको रखते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे 5, ठीक, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, और 5 5 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना होगा 10, और 33 में से जब हम 25 को घटा देंगे तो कितना होगा, कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 होगा। उसके बाद देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा, क्या होगा 64 होगा। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 64 लिख देंगे, तो ये कितने बार में कटेगा, 864 कितने बार में कटेगा, तो आपका 864 कट जाएगा। यहाँ पे 5, हमने 5 का स्क्वायर किया तो 5,
और 8 बार में कटेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब चलिए चल